तो गाइस जो हमने सोचा नहीं था वो हमारे साथ हो गया। दिखा रहा हूँ अस्सी को रात रास्ते भर आराम नहीं मिला है, कभी भी लो हुआ है, अभी तक रास्ते में आराम कर रही है। ये देखिए हम सब रास्ते भर परेशान परेशान आए। और आप ये इनकी ट्रिप चढ़ी है जब से हम आए हुए हैं, आज हमें दूसरा दिन हुआ है, तो इनकी ये समझ लीजिए आप लोग कि दूसरी बोतल चढ़ गई है इनकी, तो आज और जा रहे हैं हम दिखाने, तो आज तीसरी बोतल चढ़ी। पता नहीं ऐसी क्या हुआ, ऐसी कैसी नज़र लग गई कि इनकी ऐसे तरीके से हालत हो गई, और क्या हुआ वो हम आप लोगों को बता रहे हैं इसी वीडियो में। इसी वजह से हमारे तो हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम अजमेर शरीफ दरगाह घूमने गए हुए थे, तो वहाँ पे हमने खूब इंजॉय करा। और आते वक्त मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ। आप लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि क्या हुआ आपकी ऐसे, आपकी कैसी तबीयत ख़राब हो गई। ये देखिए ये इनकी ट्रिप चढ़ी है जब से हम आए हुए हैं, आज हमें दूसरा दिन हुआ है, तो इनकी ये समझ लीजिए आप लोग कि दूसरी बोतल चढ़ गई है इनकी, तो आज और जा रहे हैं हम दिखाने, तो आज तीसरी बोतल चढ़ी। पता नहीं ऐसे क्या हुआ, ऐसी कैसी नज़र लग गई कि इनकी ऐसे तरीके से हालत हो गई, और क्या हुआ वो हम आप लोगों को बता रहे हैं इसी वीडियो में। इसी वजह से हमारे ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं आ रहे हैं, ब्लॉग वगैरह से पहले हम ये वीडियो बता रहे हैं आप लोगों को, दिखा रहे हैं वीडियो में कि क्या हुआ था। अर्ची का आप लोगों के कमेंट बहुत आ रहे थे, ये देखिए आप लोगों के कमेंट्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ मेरी, देखिए तो आप लोगों ने इस तरीके से सारी बातें हमसे पूछी, तो हम बता रहे हैं ऐसा क्या हुआ। तो मैं बताता हूँ जर्नी क्या थी। तो जर्नी ये थी जैसे हम गए थे आना सागर, ठीक है, तो इनकी तो तबीयत ख़राब हो गई थी पहले भी थी, आप लोगों को पता था बीपी लो होने की इनकी प्रॉब्लम हो शुरू हो गई जब से हमारा अवान का बर्थडे हुआ था, हमारी एनिवर्सरी थी, जब से इनकी बीपी लो होने की शुरुआत हो गई है, जब से बीपी लो होता है। तो इनका कम से 4-5 महीने से कोई बीपी लो हुआ नहीं था, तो हम अजमेर शरीफ दरगाह घूम रहे थे, पहाड़ चढ़े पैदल हैं और दरगाह वगैरह घूमे, वहाँ का बाज़ार वगैरह घूमे, तो इनको हो गई थकान बहुत ज़्यादा, थकान की वजह से वहाँ का खाना पीना ज़्यादा खास नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर खाना पीना भी इतना खा नहीं पाए जिससे पेट भर जाए, खास खाना है नहीं वहाँ का, तो इसलिए होले होले इनकी पूरी तबीयत डाउन होते गई। फिर जिस दिन हमें आना था तो हम सुबह ही 8 बजे आना सागर घूमने चले गए। 8 बजे आना सागर घूमते घूमते इनकी एकदम से ऐसी तबीयत ख़राब हुई, ठंडे लगने लगे ठंड, और उसी दिन हमारी ट्रेन थी 3 बजे की, हमारी ट्रेन थी, इनको ठंड लगने लग गई 11 बजे करीब। फिर हम सब लोग जल्दी वहाँ पर गए घर पर कमरे में जहाँ पर हमने रूम लिया था, वहाँ गए, वहाँ जाके इनको और तबीयत ख़राब होते गई। मैं वहाँ से केमिस्ट लाया और दवाई लाया लेकिन खिलाई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर तो ये ऐसी हो गई, ऐसी हो गई पूरी वीक से हो गई, एक आध वीडियो दिखा दूँगा उम्मीद से देखना। यहाँ देखिए अर्शी की अब तबीयत ख़राब हो गई है, पूरा बीपी लो हो चुका है, तो इनका बीपी लो होने की प्रॉब्लम थी आप लोगों को पता ही है, तो इनका बीपी लो हो गया, लेकिन इनको हमने नमक का घोल पिलाया है और चीनी का, तो थोड़ी राहत मिलेगी अलग आराम से होले होले करके। अब मैं जब तक दरगाह पर हाजिर दे के आता हूँ जाते वक्त, ठीक कर दें तो गाइस जो हमने सोचा नहीं था वो हमारे साथ हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इनको बहुत दुखी थी लोगों की प्रॉब्लम हो गई, तो हम दिखाने आए, हमारे ट्रेन जाने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, अल्लाह अल्लाह करके जा रहे हैं, और इंशाल्लाह इनकी थोड़ी प्रॉब्लम सही हुई है, 10 मिनट वगैरह फ़र्क हुआ है बस, लेकिन हम जा रहे हैं जल्दी, पता नहीं क्या करते। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अस्सी को रात रास्ते भर आराम नहीं मिला है, कभी भी लो हुआ है, अभी तक रास्ते में आराम कर रही है। ये देखिए हम सब रास्ते भर परेशान आए। और अवान ने भी एक काम करा, ये रहे अवान, इन्होंने अपनी चश्मे की बोतल सामने से बाहर फेंक दी, इसलिए ये अवान भी बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, लेकिन अब हमारा आगरा आने वाला है, ये रखा हमारा सामान उतर निकल। फिर आगरा आते ही सीधा मैं ईदगाह स्टेशन पर उतर गया और उसको सीधा वहाँ से डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बीपी चेक करा तो बीपी बहुत ही ज़्यादा लो था, डॉक्टर ने देखते ही सीधा इनकी बोतल चढ़ा दी। ये देखिए बोतल चढ़ रही है, यहाँ से हम बोतल चढ़वा कर रात के 1 बजे निकले। तो देख ली होगी, तो ऐसी होगी बिल्कुल वीक सी हो गई, बिल्कुल वीक सी, ऐसा लगा मुझसे करिए हमारे, मुझे अस्पताल ले चलो, ऐसे कहने लग गए अस्पताल ले चलो। और हमारे ट्रेन जाने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था, और इतने सारे लोग, हम सब परेशान, कैसे घर जाएँ समझ में नहीं आ रही थी क्या करना चाहिए। और वहाँ पे कोई आसपास में कोई अस्पताल भी नहीं है अजमेर शरीफ में, फिर नहीं वहीं के होटल वालों ने मुझसे बोला जहाँ पे हमने रूम लिया, उन्होंने बोला ये दीजिए यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ चली जाइए, जाना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हम जल्दी गए, आधे लोग हम गए, मैं अर्सी इनकी अम्मी मेरी अम्मी और इनके पापा वगैरह हम सब गए, 4-5 लोग जल्दी वहाँ पर गए। वहाँ पर जाके पता चला कि वहाँ पे तो सरकारी अस्पताल है, तो वगैरह इधर लगे इस तरीके से, तो इनका बीपी लो भी वहाँ पे चेक नहीं करा, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ हुई, हमने दुआ खूब मांगी तो ये चीज़ हुई, वहाँ पे कि 2 इंजेक्शन लगा दिए इन्होंने, एक डॉक्टर ने इनके लगवाए 2 इंजेक्शन लगाए थे, ये बोल रहे हमें थोड़ा बहुत बेहतर फील हो रहा है,
तो जैसे इन्होंने बेहतर फील बोला ना, तो हमें आधे लोगों को वहाँ पे भेजे थे स्टेशन पे। हमने सोचा था कि अल्लाह करम से कि हर्षी की थोड़ी तबीयत सही हो जाएगी तो हम हल्का ट्रेन में बैठ के चले जाएंगे। फिर ट्रेन में इनका थोड़ा सा इनके असर लगते 5 मिनट में इनका थोड़ा बहुत असर होने लगा हल्का फुल्का सा। तो मैं इनके फिर ये आधे लोग तो चले गए थे स्टेशन पर, हम भी जल्दी ले गए इनसे, इतना समझ लो चला भी नहीं यार चला भी। तो इनको मैं अपने गोद में उड़ा के कई समझ लो ये चले कंधे पे ले गए इनको। भाई साहब भगे भगे यार भगे यार, क्योंकि हमारे ट्रेन ने छूट गया, क्योंकि हमारा आवान ट्रेन में था और भी लोग थे आवान में, जी आवान में ट्रेन में था, सब लोग थे बड़े बड़े, तो हम इधर आए हुए थे, छोटे छोटे सारे बच्चे थे वहाँ पे। तो इस तरीके से हम सोच रहे थे भाई बिछड़ नहीं आए, कैसे घर जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई साहब गोद में लेके मैं ऐसे भगा, सिर्फ 5 मिनट पहले हम ट्रेन पे बैठे, 5 मिनट बैठ के चल दी ट्रेन। इस तरीके से इनकी एकदम से ऐसी हालत ख़राब हुई, इनके हो गए पूरा बीपी लो। और ट्रेन में पता नहीं कैसे कैसे बैठ के आई, लेट के आई, जरा सी चक्कर आ रहे, लेटे रही ना कुछ खा रही ना पी रही। मैंने जब इसके कुछ खिलाया भी इनके लिए जूस वगैरह लिया, तो इन्होंने वहीं पर उल्टी वगैरह हो गई इनको। इस तरीके से होते जा रहा है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके हम पहुँचे। पहुँचते मैंने स्टेशन पर उतरती डायरेक्ट अपने दोस्त को बुला लिया था समीर को, वो आए उनको, उन्होंने हमें सीधा हमें वहाँ पर डॉक्टर की शॉप पर छोड़ा। डॉक्टर की शॉप पर वहाँ पर इनकी बोतल चढ़ी, उसके बाद फिर हम घर पर गए। वो तो चढ़ी एक समझा रात के 12:30 बजे घर पर गए। घर पर आके जब जाके थोड़ा उनको आराम मिला, सुबह दोबारा इनका बीपी हो गया, फिर सुबह दोबारा बोतल चढ़वाने गए। आज भी इनका ऐसी हालत है, तो आज मैं इनको इनके घर पर ले जा रहा हूँ। पहले अपने घर पे जाएंगी, फिर अपने घर से ही वहाँ पर जाएंगी बोतल चढ़वाने, क्योंकि मेरे आज से जॉब पे जाना है, तो अपनी बोतल चढ़वाने जाएंगी। फिर वहाँ से ही मैंने इनसे कह दिया अपने घर पर आराम करो थोड़े दिन, तो आप लोग इनके लिए दुआ करना जल्दी से ठीक हो जाएँ। और तो आप लोगों को मैं एक बार बताऊँ, इस तरीके से पता है हमें क्या हो जाता है, हम कुछ भी करते हैं आप लोगों ने देखा होगा। जैसे जरा से हम अपने दिल की खुशी के लिए घूमने चले जाते, क्योंकि हमें मैं आप जाने से पहले आप लोगों को बताया था कि हमें टेंशन है बहुत, है बहुत टेंशन है पता है क्या क्या, लेकिन हम बताते हैं किसी को नहीं है, लेकिन हम दिल की खुशी के लिए कर लेते हैं। जब अजमेर से दरगाह गए वो हमें पता, हम कैसे गए और कैसे नहीं गए वो हमें पता, हम क्या बीत रही है, लेकिन वहाँ से आके इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, इनकी बोतें चढ़नी और पैसे हम पे इतने हैवी नहीं, कैसे कैसे करके हम गए थे। अल्लाह का नहीं चलो चले यार, थोड़ी बहुत खुशी मिली इतनी टेंशन में, लेकिन वहाँ से आके ऐसे बीमार पड़े, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, किसकी बद्दू आए, क्या है समझ में नहीं आता। हमने जब अपन के बर्थडे बनाया था उसके बाद भी इनकी ऐसी तबीयत डाउन हुई थी। हम मंसूरी गए थे, नैनीताल गए थे, नैनीताल नहीं, हम हाँ मंसूरी गए थे, कलिया शरीफ गए थे, वहाँ से भी आगे इनकी तबीयत ख़राब हुई थी। हमने अपने बर्थडे वगैरह नहीं बचे, मैंने जब भी तबीयत ख़राब, मतलब कुछ भी ऐसा बढ़िया नया कुछ करते हैं तो इनकी तबीयत ज़रूर ख़राब होती है, और किसी की भी होती है। हमारे घर में पता नहीं क्या हो जाता है एकदम से, जैसे बाहर अम्मी वगैरह सो रही थी, हमारा एक पंखा चलता, वो पंखा ऐसा चला भाई साहब टूट के 2 पंखड़ियाँ अलग अलग हो गई रात को, आज बताओ एक इधर गिरी एक इधर, वो तो अम्मी पापा बीच में सो रहे थे उनकी नहीं पड़ी बताओ, नहीं तो इधर उधर गिरी पंखड़ी, वो तो अल्लाह करम हो गया, पता नहीं क्या नज़र लग जाती है। लेकिन आप लोग हमारे लिए दुआ जरूर करना, और जो भी कुछ करते हैं हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे वीडियो सिर्फ इसी वजह से बनाते हैं कि हमारा थोड़ा जो भी इस तरीके से परेशानी, हम ज़्यादा पैसे वाले तो है नहीं, परेशानी इतनी है कि वीडियो वगैरह हमारी यूट्यूब पे वायरल हो जाए तो थोड़ी बहुत हमारी इनकम हो जाए, जिससे कि हम थोड़ा बहुत अच्छा तरीके से रह सकें। बस यही हमारा वीडियो बनाने का तरीका, इसी वजह से हम वीडियो बनाते हैं, यही हमारा मतलब एक तरीके से इसी वजह से हम वीडियो बनाते हैं कि कोई हमारी यूट्यूब से इनकम वगैरह हो जाए। और आप लोगों को ब्लॉग वगैरह सब आएंगे, बस दुआ कीजिए हर चीज़ जल्दी से ठीक हो जाए, तो मैं इनको इनके घर पे लेकर चलता हूँ। आवान तो रेडी हो गए हैं, सब कुछ सही है, भाई इनके लिए दुआ करें। ये देखिए इनकी बोतल चढ़ी थी अभी मैंने बताया, ये जरा 2 तो चढ़ी गई, आज ले आ रहा हूँ। इस तरीके से ये ऐसी हालत हो जाती है, हम कहीं भी जाता पता नहीं क्या, कहीं जाने छोड़ दें, घूमना छोड़ दें, कुछ क्या करना है, मतलब ऐसी चुपचाप रहे हैं, समझ में नहीं आता लोग क्या चाहते हैं। बहुत हम थोड़ी बहुत वीडियो बना रहे थे खुशी के लिए, तो आप लोग देखो कुछ हो कुछ नहीं होता है, आते ज़्यादा लोग चलते हैं, पता क्यों चलते हैं ये समझ में नहीं आता। तो फिर मैं इनके घर पे ले जा रहा हूँ, चलिए फिर चलते हैं।